हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर। सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें गारंटी के साथ आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी जितने भी राजस्थान जी के जिस भी कंपटीशन में आएगी उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक रह गया था, जो प्रजामंडल और संस्थापक, तो उसको आज जो नेक्स्ट है उसका हम शुरू करते हैं टॉपिक, जो मेवाड़ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सभी के प्रजामंडलों को और उनके संस्थापकों को याद करने की ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपना वो हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में, तो मेवाड़ प्रजामंडल से याद रखना दोस्तों, इसकी ट्रिक हो जाएगी, मेवाड़ की मणि उदय के बल से लक्ष्मी कृपा से नारायणी को मिली। मेवाड़ की मणि उदय के बल से, क्या हुआ कि मेवाड़ की जो मणि है वो उदय के बल से लक्ष्मी कृपा से नारायणी को मिली। आसान से याद हो जाएगा, तो मेवाड़ से हो जाएगी दोस्तों, जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी 1938 को। मणि से याद रखना दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा। मणि से क्या याद रखो कि माणिक्य लाल वर्मा। तो ये है दोस्तों जो इसके यहाँ की जो स्थापना हुई थी उस समय, कहाँ हुई थी इसकी स्थापना, उदय से याद रखना, उदयपुर। तो इसकी स्थापना किसने की थी, माणिक्य लाल वर्मा ने उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, इसके बल से याद रखना दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। जो बलवंत सिंह मेहता है वो यहाँ के अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष यही थे। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्मी कृपा। लक्ष्मी कृपा से याद रखना, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें विजयलक्ष्मी पंडित, यानी विजयलक्ष्मी पंडित और जे बी कृपलानी। लक्ष्मी कृपा, लक्ष्मी से लक्ष्मी, पंडित और कृपा से याद रखना जे बी कृपलानी। ये क्या है कि जो 1941 में संबंधी महिला, मतलब जो प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्य थे वो थे विजयलक्ष्मी पंडित और जे बी कृपलानी 1941 में। नारायणी से याद रखना दोस्तों, नारायणी से याद रखना कि इस मेवाड़ प्रजामंडल में जो संबंधित महिला थी, मेवाड़ प्रजामंडल के जो संबंधित महिला कौन थी, ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसमें करोगे आप नारायणी देवी वर्मा। हो गई ट्रिक, मेवाड़ की मणि उदय के बल से लक्ष्मी कृपा से नारायणी को मिली। ठीक है, ये हो गई मेवाड़ प्रजामंडल को याद करने की ट्रिक। इसमें दोस्तों अध्यक्ष आ गया, स्थापना आ गई, और प्रथम अधिवेशन में किस किस ने भाग लिया, और संबंधित महिला यानी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला के बारे में पूछ ले तो वो है नारायणी देवी वर्मा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपना डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की ईजी है, डूंगर भोगी। क्या याद रखोगे, डूंगर भोगी, डूंगर भोगी। 10 से 15 बार बोल लेना डूंगर भोगी, डूंगर भोगी, जिससे आपको ये कंटेस्ट फिट हो जाएगा ये शब्द। फिर आपको जब भी डूंगर पूछोगे कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, किसने की थी, तो आप तुरंत बताओगे कि भोगी लाल, यानी भोगी का मतलब भोगी लाल पांड्याय द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। दोस्तों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बार बार, इसलिए याद करने की आसान ट्रिकें हैं ये। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की। बांसवाड़ा में याद रखना दोस्तों, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी ट्रिक हो जाएगी भूपेंद्र हरि को देवे बांस, भूपेंद्र हरि को देवे बांस। इसकी भूपेंद्र से याद रखना दोस्तों, जो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं वो तो यहाँ इसकी स्थापना करवाए थे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, और हरि को देवे, इससे याद रखना तुम दोस्तों, हरि देव, हरि देव, तो हरिदेव, हरि को देवे का मतलब हरिदेव जोशी हो जाएंगे। तो भूपेंद्र से भूपेंद्र त्रिवेदी, हरि और देव से हो जाएगा हरिदेव जोशी, बांस से हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा, इसकी स्थापना हुई थी। हो गया, इजी है, आसान है, भूपेंद्र हरि को देवे बांस, नॉर्मल है। शाहपुरा प्रजामंडल की बात करते हैं, तो शाहपुरा में याद रखना दोस्तों, शाहपुरा में मणि रमेश को लादू, शाहपुरा में मणि रमेश को लादू। आसान सी ट्रिक है कि शाहपुरा में मणि रमेश को लादू, 10 से 15 बार बोल लेना इसको। मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा, कि 10 से 15 बार इसको रिपीट कर लेना, जो ये शब्द आपके फिट हो जाएंगे दोस्तों। फिर वो कभी भी पूछ लेगा कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना में प्रेरणा किसकी थी, शाहपुरा
प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो आपको आसान लगेंगे ये सब। तो शाहपुरा, शाहपुरा से शाहपुरा प्रजामंडल हो जाएगा। मणि से याद रखना दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, ये यहाँ के प्रेरणता थे। इसी से प्रेरणा मिलकर ये जो रमेश चंद्र ओझा जी और लादूराम व्यास है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। तो ये हो गए शाहपुरा प्रजामंडल की आसान सी ट्रिक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम दोस्तों कल शायद लास्ट वीडियो होगा, इसे भी पूरा देख लीजिए, आसान सी ट्रिकें हैं। अब यह कल या परसों में पूरा हो जाएगा, ये पूरे जितने भी एक संस्थापक थे उनके उन सभी के बारे में पढ़ लेंगे, प्रजामंडल और संस्थापक के बारे में। तो दोस्तों पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देख लें, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों, कोरोना से बचाव रखें, सेफ रहें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।